नमस्कार, मैं शाल्वी स्पीड न्यूज से सोमवार की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब, खुद को किया आइसोलेट, अब होगा उनका कोरोना टेस्ट। दिल्ली के श्रम मंत्रालय में अब कोरोना ने दस्तक दी है, 11 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। न्यूजीलैंड हुआ कोरोना मुक्त, अंतिम मरीज हुआ ठीक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों ने सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया। कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है, ट्रायल के बाद अब भारत के पूना शहर में 1 अरब कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। चीन की टूट रही कमर, दुश्मन नहीं दोस्तों ने अचानक बोल दिया हमला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चाइनीज कंपनियों और घोटालों में शामिल अफसरों के खिलाफ जांच बिठा दी है। यूपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सोनू सूद को 2024 का पीएम कैंडिडेट बना देना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संकट के दौरान राजस्थान अब कोरोना मुक्त होने के कगार पर है। देश में आज खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स। छूट मिलते ही मुंबई में सड़कों पर उमड़ी गाड़ियों की भीड़, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा लंबा जाम।